So hello and welcome to Arumal's Academy. So today we'll be discussing some important newspaper articles from 2nd September 2022. So these are the list of the topics that we are going to cover in today's session. So the first topic is about the INS Vikrant. So now this is a very important news article that we are going to cover today, and you must be obviously hearing about this topic because ये आज के दिन में, जैसे कि आपको पता होगा, this is a very milestone movement towards the PM's vision of आत्मनिर्भर भारत. तो ये आप देखोगे हर तरफ in the social media, in newspaper, हर तरफ आज के दिन में ये जो news है, ये this is मतलब आप कह सकते हो कि this is being viral एक तरीके से, right? तो इसके बारे में हम बात करेंगे, INS विक्रांत के बारे में. And it is very important इसीलिए भी है क्योंकि it is a major, आप कह सकते हो कि India's indigenous जो भी missions है, तो indigenous missions में से it has been seen as one, right? तो यहाँ पे देखिए, तो ये news में क्यों है, this has been in news इसीलिए because the Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, he has commissioned the India's first indigenous aircraft carrier. ठीक है, it is indigenously built, मतलब इसे India में develop किया गया है, India में build किया गया है. ठीक है, सो दिस इज एन इंडियन नेवल शिप, राइट, विक्रांत है इसका नाम, एंड विच हैज बिन कमीशन कहाँ पे, इट हैज बिन कमीशन एट कोची शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी आता है, इफ एनी क्वेश्चन कम्स अप कम्स बेस्ड ऑन द आत्मनिर्भर भारत के बारे में, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन, तो उसमें आप अगर इफ इट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर, देन डेफिनेटली आप ये जो INS विक्रांत का मूव है, ये जो डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस INS विक्रांत कैन बी साइटेड एज अ मेजर एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स में भी, यहाँ पर फैक्चुअल भी क्वेश्चन आ सकता है, and definitely for mains as well, because mains mein science and technology mein aap dekhoge in paper 3 mein this is a section called defense, so defense related bhi yahan pe kuch bhi question aa sakta hai from this topic. All right, so now let's learn in detail about the INS Vikram, which is India's major indigenous move, we can say. सो देखिए, INS विक्रांत जो है, INS विक्रांत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टुडेज डेवलपमेंट इज दैट INS विक्रांत का जो एकम्प्लिशमेंट है, इट इज एक्चुअली पुट इंडिया इन द एलिट क्लब. आप कह सकते हो कि एलिट क्लब और एलिट कंट्रीज, यू कैन से एलिट कंट्रीज आर बेसिकली डोज कंट्रीज, यू कैन से, विच आर केपेबल ऑफ इंडिजिनियसली डेवलपिंग और डिजाइनिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर. सो इन दिस, इन द राइट सेक्शन यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु हैव देयर ओन इंडिजिनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर. सो विद द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दिस INS विक्रांत, इंडिया इज ऑल्सो प्लेस इन दिस एलिट लीग, वी कैन से, राइट. ओके, सो INS विक्रांत जो है, द अदर नेम ऑफ INS विक्रांत इज IAC-1. नाउ व्हाट इज IAC-1? IAC-1 का मीनिंग है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, राइट, बिकॉज इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड, सो इट इज नोन एज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1. दिस निकनेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको एक GK बेस्ड एग्जाम में यू कैन बी आस्क अबाउट सच थिंग्स. ओके, सो इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विच हैज बीन बिल्ड इन इंडिया इटसेल्फ बाय कोचिन शिपयार्ड. ठीक है, तो इसे किसने बनाया है, दिस हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड विच इज बेस्ड इन कोचिन केरला. ठीक है, अब ये बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए ऑब्वियसली. अब इस विक्रांत जो है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसका मोटो क्या है, द मोटो ऑफ दिस एरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इज जयमा सम युद्धि स्प्रद्ध. ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट बिकॉज दिस, ये जो स्टेटमेंट है या ये जो मोटो है, इट इज बिन टेकिंग फ्रॉम ऋग वेदा, और इसका जो ट्रांसलेशन है इन इंग्लिश, इट इज आई डिफीट डोज हु फाइट अगेंस्ट मी. राइट, तो विद दिस अकॉम्प्लिशमेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, कि इंडिया जॉइंस द बैंड ऑफ द एलिट, यू कैन से द एलिट क्लब और द नेशंस दैट हैव डेमोंस्ट्रेटेड इंडिजिनस कैपेबिलिटी विद मेजर कंट्रीज लाइक वर्ल्ड लाइक द US, द UK, फ्रांस, रशिया, इटली एंड चाइना एज वेल. ठीक है, अब विक्रांत का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ विक्रांत इज करेजियस. नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन द INS विक्रांत इज प्लेस्ड इन द लिस्ट और इन द फ्लीट ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर. इससे पहले भी इंडियन INS इंडियन नेवी में देयर यूज्ड टू बी एन INS विक्रांत, इवन दो इट यूज्ड टू बी डिफरेंट वन, बट जो नेम है, द नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस और द प्रेडिसेसर INS विक्रांत ओनली. अब ये जो प्रेडिसेसर INS विक्रांत था, इट यूज्ड टू बी इन द इंडियन नेवी फ्रॉम 1961 व्हेन इट वाज कमीशन एंड टिल 1997 व्हेन इट वाज डीकमीशन. और ये जो पीरियड है, इस प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द 1971 इंडो पाक वॉर. आई बिलीव इसके, ये जो 1971 इंडो पाक वॉर है, इसके बारे में आप
सबको पता होगा. अब ये जो 1971 इंडो पाक वार है, दिस इज एक्चुअली, इसे क्या कहा जाता है, इसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहा जाता है, वेर इंडिया प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन लिबरेटिंग बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान, राइट. सो विद द कमीशनिंग ऑफ द INS विक्रांत, इंडिया विल हैव टू ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स नाउ. सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब देखिए यहाँ पे इंडिया में बिफोर द कमीशनिंग ऑफ INS विक्रांत देयर यूज्ड टू बी अनदर ऑपरेशनल INS, या यू कैन से एयरक्राफ्ट कैरियर व्हिच इज नोन एज द INS विक्रमादित्य. तो अभी के टाइम में या आज के बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास दो अभी ऑपरेशनल क्या है, ऑपरेशनल इंडिया हैज करेंटली टू ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नेमली द INS विक्रमादित्य एंड देन सेकंड वन इज INS विक्रांत, ठीक है. सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स आई हैव बीन आई मेंशनड हियर व्हिच यू कैन डायरेक्टली डिग इन. सो दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, यू कैन से, जो आपको हेल्प करेगा इन लर्निंग, या आप कह सकते हो कि इन क्वेश्चंस लाइक मैच द फॉलोइंग बेसिकली. तो सम क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो सिक्स कंट्रीज है, तो सिक्स कंट्रीज हैव देयर ओन कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग देयर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनसली. तो ये कौन से कंट्रीज थे, ये USA, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस और इटली है. सो दिस कंट्रीज का जो मेजर कैरियर्स है, तो ये कैरियर्स का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है. इन केस ऑफ एनी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल बी आल्सो एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर दिस फैक्ट्स बेसिकली, ठीक है. ऑलराइट, सो नाउ देयर इज a question which has been given to you on this screen. This is a prelims practice question which is all which is based on the topic that we have discussed now. So you can just try to solve this question, and if you have any answer aap mujhe comment section mein reply kar sakte. Iska answer jo hai main ye agle newspaper analysis mein aapke sath share karunga, theek hai. All right, now about the next article which is based on the new Indian Navy ensign. Now, ensign is basically a kind of flag which is used by the Indian Navy. अब ये जो ensign है, इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में to recover from the colonial past, to recover because you know कि India used to be under the British colony. तो India, in order to recover from the British colony, it is now changing, or you can say it is changing or updating its Indian Navy ensign. तो क्या है इसमें, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे. नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रीवियस न्यूज दैट वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज इट हैज बीन डन. दिस पर्टिकुलर एनसाइन हैज बीन अनवील बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द सेम इवेंट ओनली, जहाँ पे जो कोची का जो भी बात चल रहा था, जहाँ पे INS विक्रांत लॉन्च किया गया था, उसी में इंडियन नेवी का जो एनसाइन है इसे भी अभी अनवील कर दिया गया है. Now first we'll try to learn ki what is an ensign. Ek ensign kya hota hai? So ensign is basically a kind of national flag which is displayed on ships. Dekhiye ye aapko dikhega ship mein dikhega. So in the case of ships mein ye use kiya jata hai aur basically in the aircraft mein use kiya jata hai. Dekhiye which belongs to which signifies the nation to which it belongs. राइट, तो इन द केस यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डायग्राम्स, यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं, दिस आर नॉट द करंट वंस, दिस आर द प्रीवियस वंस. ठीक है, यहाँ पे जो नंबर वन एंड नंबर टू जो आपको दिए गए हैं ना, दिस आर नॉट द करंट वंस, दिस आर द प्रीवियस वंस. जो करंट वन है ये आपका जो यहाँ से प्रीवियस स्लाइड था उसमें मैंशन है, उसमें दिया गया है. तो आप वहाँ से जाके आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. ठीक है, तो इस एनसाइन में अगर आप देखोगे, इन द प्रीवियस स्लाइड अगर आप देखोगे एनसाइन में क्या क्या था, एक यहाँ पे तिरंगा है. ऑलराइट, द ट्राई कलर इज देयर. सो ट्राई कलर के साथ यहाँ पे ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर यू विल फाइंड द ट्राई कलर इज देयर एंड ऑन द राइट हैंड. ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में मत देखिएगा बिकॉज दिस इज द प्रीवियस वंस. यहाँ पे जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है ना, द सेकंड पॉइंट इज एक्चुअली अबाउट द प्रीवियस स्लाइड ओनली, अबाउट द करंट डायग्राम, अबाउट द करंट एनसाइन जो आज अनवील किया गया है. ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, ऑन द राइट अ ब्लू ऑक्टागोनल शेप है यहाँ पे. ठीक है, शेप क्या है, ऑक्टागोन शेप है. दैट इज ऑक्टागोन शेप क्या होता है, ऑक्टागोन शेप इज बेसिकली सराउंडेड बाय 8 sides यू कैन से. ठीक है, 8 sides से इसे सराउंड किया गया है, विच डेपिक्स स्टेडफास्टनेस. ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है, सिट्स एटॉप एन एनकॉर, यहाँ पे एक एनकॉर है. ठीक है, सो एनकॉर इट डेपिक्स क्या डेपिक करता है, डेपिक्स द स्टेडफास्टनेस. ठीक है, और जो ऑक्टागोनल शेप है, नाउ दिस हैज बीन डिजाइन टू रिप्रेजेंट द 8 directions व्हिच सिंबलाइजेस व्हाट, द मल्टी डायरेक्शनल रीच एंड मल्टी डायमेंशनल कैपेसिटी और द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी का जो स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, तो इससे सिग्निफाई करता है दिस ऑक्टागोनल शेप. राइट, और उसके बाद जो यहाँ पे ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स यू विल फाइंड, तो ये जो गोल्डन बॉर्डर्स है, दिस एक्चुअली ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी. राइट, तो ये जो प्रीवियस था, देखिए अब ये जो मतलब अभी के जो आज जो रिलीज हुआ है, जो अनवील हुआ है, इससे पहले देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग व्हिच हैज बीन शोन इन द फिगर बिलो.
ठीक है, तो ये था आज के पहले, दिस वो यूज टू बी द नेवी एनसाइन। तो इसमें देखिए क्या था, तो यहाँ पे एक सेंट जॉर्ज क्रॉस है, ठीक है, द तिरंगा इज देयर और सेंट जॉर्ज क्रॉस मिलेगा, और बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे जो एम्बलम है, द एम्बलम यू विल फाइंड हियर, ठीक है, जो नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ यहाँ पे मिलेगा, एंड लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको मिलेगा इंडियन फ्लैग। अब इसीलिए इसे अपडेट किया गया है, अब देखिए अगर मेजर अपडेट यहाँ पे क्या है, जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है ना, इस सेंट जॉर्ज क्रॉस को एक्चुअली इसे रिमूव कर दिया गया है, बिकॉज दिस एक्चुअली इज अ थिंग विच बिलोंग टू द ब्रिटिश, ठीक है, विच एक्चुअली बिलोंग टू द ब्रिटिश। आप देखोगे इंडिपेंडेंस के पहले और टू स्पेसिफिक रिपब्लिक डे से पहले, बिफोर इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया यूज टू हैव दिस दिस एनसाइन फॉर द इंडियन नेवी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया यूज टू हैव दिस वन, जहाँ पे एक आप कह सकते हो कि एक सेंट जॉर्ज क्रॉस है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे फ्लैग भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिटिश का जो फ्लैग है, दिस ब्रिटिश फ्लैग इज हियर। तो इसे इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, डिसकंटिन्यूड टू बी देयर, बट आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक, यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया था, बिकॉज यू नो कि इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, एंड आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑल्सो बिकेम रिपब्लिक इन नेचर, इंडिया रिपब्लिक होने के बाद इट फाइनली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग इन द केस ऑफ एनसाइन। लेकिन अभी ये जो आपको दिख रहा है दिस सेंट जॉर्ज क्रॉस, नाउ दिस ऑल्सो हैज बीन रिपील्ड और रिमूव फ्रॉम द करंट एनसाइन, सो दैट वी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस दैन, यहाँ पे देखिए दिस चेंज जो है, यहाँ पे जो अपडेट है, दिस हैज बीन मेड टू गेट ओवर फ्रॉम आवर कॉलोनियल पास्ट, ठीक है, टू रिकवर बेसिकली फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट वी कैन से, ठीक है, ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आवर अरुणाचल प्रदेश। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप वी कैन से, व्हिच हैज टेकन प्लेस इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे क्या है अ मेजर, आई थिंक एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड पतंजलि, व्हिच इज अ मेजर प्राइवेट कंपनी। तो ये जो पतंजलि है, इट हैज एक्चुअली लेड द फाउंडेशन फॉर पाम ऑयल मिल, ठीक है, एक पाम ऑयल इंडस्ट्री और पाम ऑयल मिल एक सेटअप किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे ताकि अलोंग विद आचार्य बालकृष्ण, आई होप एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट आचार्य बालकृष्ण, इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स एंड दी डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी कॉल पतंजलि। तो दे एक्चुअली विजिटेड अरुणाचल प्रदेश ऑन वेडनेसडे, ठीक है, एंड देयर मोटिव वाज टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पतंजलि ऑयल पाम, ठीक है। तो यहाँ जो पतंजलि ऑयल पाम है, तो द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि ये कहाँ पे सेटअप हुआ है। सो दिस हैज बीन डन एट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एट निगलॉक, ठीक है, निगलॉक में हुआ है, विच इज सिचुएटेड इन द ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दिस स्टेट, मतलब यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है अरुणाचल प्रदेश में, इट इज बिलीव टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सच कंपनीज, ऑलराइट। सो दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय पतंजलि फूड लिमिटेड, विच वॉज फॉर्मली नोन एज द रुचि सोया इंडस्ट्री, अभी लेकिन इसे पतंजलि फूड कहा जाता है, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प दिस विल ऑल्सो हेल्प not just Arunachal Pradesh, but also it will also help India in becoming a self-reliant in becoming self-reliant in the field of what? In the field of edible oil. ठीक है, जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं ना, तो उसमें इंडिया का बहुत एक तरीके का आप कह सकते हो कि फॉरेन डिपेंडेंस है। तो इस डिपेंडेंस को कम करेगा इफ वी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑयल इंडिजिनसली, यू कैन से, ठीक है। सो अंडर द पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म प्लांटेशन होगा, विच विल बी डन इन 100,000 acres ऑफ लैंड इन अरुणाचल प्रदेश। तो कितना लैंड है यहाँ पे, 100,000 acres ऑफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, तो जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म प्लांटेशन होगा, एंड दिस विल बी द इंडियाज फर्स्ट फर्स्ट पाम कल्टिवेशन एरिया वेर ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे इंडिया में ये पहला बार होगा जहाँ पे ऑर्गेनिक पाम प्लांटेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। सो द एस्टेब्लिशमेंट विल ऑल्सो हेल्प, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये जो फॉरेन डिपेंडेंस है इसको कर्व करने में हेल्प करेगा। दिस अनदर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, डेफिनेटली आप ये आर्टिकल पढ़ के आप ये आंसर कर पाओगे। इफ यू नो द आंसर, रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर इन आवर नेक्स्ट सेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द IMF पैकेज टू श्रीलंका, ठीक है। IMF, आई होप यू नो द मीनिंग, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, विच हेल्प्स, यू कैन से, विच हेल्प्स द वेरियस कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट। तो यहाँ पे न्यूज में था रिसेंटली क्या हुआ है, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, इट हैज रीच अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद श्रीलंका। मतलब यहाँ पे एग्रीमेंट का मीनिंग यही होता है कि द IMF हैज बेसिकली एग्रीड टू प्रोवाइड श्रीलंका विद सम काइंड ऑफ
relief, okay, with some kind of package, we can say. So for this topic, in order to understand this topic, the first thing you should know is that you should learn, or you should be aware of the crisis of the financial crisis that has been taking place in Sri Lanka. I think everyone has a little knowledge about it, but this topic is very important for our all our upcoming examination, be it prelims or be it mains. As I've told you, ki yahan pe jo package, yahan pe jo IMF ka package hai, even though is IMF package ke baare mein nahi bhi aata hai, but then again, dekhiye, yahan pe matlab kaha hai ki kahan kahan pe aata hai question. Ek to ho sakta hai ki aapka jo prelims examination hai, jahan pe jo international relation hai, that actually forms a part of your current events of national and international importance. To ye prelims ka bhi ek syllabus ka part ban jata hai, and most important for mains GS paper 2 international relations. So yahan pe dekhiyega jahan pe descriptive examination hai, then GS paper 2 isme na international relations se bada question aata hai, especially from India's neighbors, and because Sri Lanka is an Indian neighbor, to isiliye yahan se question aane ka jo crisis ho raha hai Sri Lanka mein, to isse question aane ka sambhavna bahut zyada hai, bahut high possibility hai, aur isse ek aisa bhi question aa sakta hai ki you can be asked to suggest or recommend some kind of measures which will help Sri Lanka to overcome from the crisis that it is currently facing. So in order to answer such question, you should know ki IMF ne kis tarike ka yahan pe proposals diya hai, IMF ne kis tarike se yahan pe help kiya hai, so that you will be able to form a structured answer for this topic. So now let's learn about this IMF package. So right from the beginning of this financial crisis that has been faced by Sri Lanka, you know ki Sri Lanka ka jo management hai, jo authority hai, now they have made several attempts to recover from this crisis. So they have been seeking loans from various agencies. Initially you should know ki inko jo loan hai, loan dene se mana kar diya gaya tha, but now the thing is that Sri Lanka and the IMF, a recent development suggests that they are finally ready to have some kind of a relief package from the IMF, because Sri Lanka and the IMF, they have reached a preliminary agreement on an emergency. देखिए यहाँ पे जो फंड का जो ज़रूरत था उसमें एक तरीके का एक एग्रीमेंट पे वो दो श्रीलंका का मैनेजमेंट का अथॉरिटी एंड IMF मैनेजमेंट हैव कम इनटू सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन और एन एग्रीमेंट. ठीक है, सो बोथ दी पार्टीज दे हैव एग्रीड और दे हैव रीच्ड अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज दिस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा. तो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में दे हैव ऑलरेडी रीच अपॉन इट टू सपोर्ट श्रीलंका इकोनॉमिक पॉलिसीज विथ अ 48-month अरेंजमेंट अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ अबाउट 2.9 बिलियन US dollars. तो यहाँ पे IMF कितना सपोर्ट करेगा? IMF will be providing a relief of 2.9 billion US dollar, and this would be an outcome of the staff level agreement. Now what is staff level agreement? अब देखिए staff level agreement, ये UPSC में कभी such question are often asked. Now this staff level agreement is nothing, they are typically subject to the approval of the IMF management. मतलब ये आप कह सकते हो कि this जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट विल बी कंक्लूडेड, या आप कह सकते हो कि इस तरीके का जो लोन्स है या क्रेडिट है, ये तभी दिया जाता है व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय हुम, अप्रूव्ड बाय बोथ द IMF मैनेजमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड. मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, इफ ऑल द मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट दे रीचेस अपॉन सम काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट, ओनली देन सच क्रेडिट विल बी, यू कैन से सच क्रेडिट विल बी गिवन और फैसिलिटेटेड टू द रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हो टू द नेशन और कंट्री स्ट्रेस. ठीक है, तो यहां पे ये जो एग्रीमेंट है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद ही दिस रेसिपिएंट नेशन वुड गेट एक्सेस टू द फंड. ठीक है, सो देखिए यहां पे कुछ मैंने आपको इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन द मेंस एग्जामिनेशन किस तरीके का आप यहां पे रिकमेंडेशन बताओगे व्हिच विल हेल्प श्रीलंका टू ओवरकम from the crisis that I have been facing, that Sri Lanka has been facing. So ye answer karne ke liye there are certain points that I have given to you. To yahan pe dekhiye, these points are actually, ye sab to aapko yaad nahi karna hai, lekin if you give it one reading, you'll at least be able to know ki IMF का जो लोन है ये एक्सेस करने के लिए श्रीलंका को क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको शायद याद होगा व्हेन इन 1991 व्हेन लाइक बिफोर द एलपीजी रिफॉर्म्स वेयर और द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, इंडिया आल्सो सीक डी, आप कह सकते हो कि इंडिया ने क्या किया था, IMF से लोन सीक किया था. तो ये लोन के लिए इंडिया ऑल्सो हैड टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, तो IMF क्या करता है, IMF मेक्स सम काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस. अगर आप वो रिकमेंडेशन मान लेते हो, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेन द एक्सेस टू सच टू द क्रेडिट फ्रॉम द IMF.
तो इसी तरीके से ऑन द सेम लाइंस IMF ने क्या किया, श्रीलंका को भी कुछ इस तरीके का यहाँ पे अप्रूव, मतलब आप कह सकते हो कुछ यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है, ठीक है, मतलब IMF दे एक्चुअली एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कंडीशंस फ्रॉम श्रीलंका, तो अगर ये मीट हो जाता है ओनली देन दे वुड बी गिविंग आउट द लोन, ठीक है। तो यहाँ पे इच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको सारा कुछ आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बट अब देखो कि अगर ऊपर ऊपर से यहाँ पे जो टैक्स है, तो जो टैक्स है टैक्स में यहाँ पे लाना होगा रिफॉर्मेशन, ठीक है, जो टैक्स कलेक्शन जो मैकेनिज्म है, टैक्स कलेक्शन यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसमें लाना होगा रिफॉर्मेशन। उसके बाद जो फॉरेन रिजर्व है, इसको आप कह सकते हो कि फॉरेन रिजर्व को सेफ रखना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व जो खत्म हो गया था, उनका जो एम्प्टी हो गया था, बिकॉज यू शुड नो कि श्रीलंका एक्चुअली रैन आउट ऑफ द फॉरेन रिजर्व, राइट, दे वर फेसिंग ऑफ अ फॉरेन रिजर्व क्रक्स यू कैन से। तो इन दैट केस यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए दे हैव लाइक सजेस्टेड, द IMF हैज सजेस्टेड, एंड ऑल्सो सो दैट जो गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज है, गवर्नमेंट जो भी मैकेनिज्म है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, नाउ इट ऑल्सो शुड बी व्हाट, एंटी करप्टेड इन नेचर, ठीक है, जो करप्शन है करप्शन फ्री होना पड़ेगा, सो दैट इट कैन एंश्योर नो लीकेज ऑफ मनी। Are you getting my point? जो फंड आ रहा है उस फंड में ताकि कोई लीकेज ना हो, कोई अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज ना करे, तो इससे क्या हेल्प होगा, ये क्यों कर रहा है। नाउ दिस रिकमेंडेशंस, दिस कंडीशंस, दिस एक्सपेक्टेशंस हैव बीन मेड बाय द IMF टू श्रीलंका, सच दैट यहाँ पे श्रीलंका जब ये यहाँ पे जो लोन लेगा, सो दैट श्रीलंका इज ऑल्सो एबल टू रिपे द लोन, ठीक है, ताकि श्रीलंका इस लोन को रिपे करे, बिकॉज यू नो बैंक लोन कब देगा, बैंक आपको लोन तभी देगा जब आपके पास रिपेमेंट कैपेबिलिटी है। उसी तरीके से IMF लोन तभी देगा श्रीलंका को व्हेन इट विल बी सेटिस्फाइड कि यस श्रीलंका हैज द कैपेसिटी ऑफ रिपेइंग इट बैक, ठीक है। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट वी हैड टू डिस्कस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, विल बी डिस्कसिंग मोर सच टॉपिक्स, so we'll be taking up more such important topics from the various newspapers which can be asked in the upcoming APPSC or the UPSC examinations. So this was all from my side for the day. Thank you so much for joining in. Take care. Bye bye.